मैं टाटा का उदाहरण अक्सर बताता हूँ, रतन टाटा इज मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरा पैरेंट दादा, मैं मुंबई में मलबार हिल पे रहता था, वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। वो कहते हुए रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर होर्स। मैंने एक काम करो, तुम्हारा फोन ड्राइवर के पास दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चला। मैंने बोला तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है। फिर उनको नागपुर लेके मैं आया था, तो मैंने उनकी बैग थी, मैंने हमारे सरकारी मंत्री था, भाई इसकी बैग पकड़, टाटा सा। नो नितिन, दिस इज माय बैग, आई विल टेक इट। फिर गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा कि वो ड्राइवर के अपोजिट, टाटा इधर साहब इधर बैठे, मैं इधर बैठा। नो इट्स योर प्लेस। यानी इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद कितनी विनम्रता, कितनी शालीनता, कितनी सहजता। यहाँ तो 10-20 करोड़ रुपए आए तो गाना शुरू हो जाता है, साला मैं तो साहब बन गया। साहब बन के कैसा तन गया, रूप मेरा देखो, है ना गाना। ऐसे आंग में लाते साले, चाय से किटली गर्म होती है, उसके पिए और पीएस तो और गर्म होते। साहब है। मैं एक बार, मेरा पैर टूटा था, मैं जो नांदेड़ जाना था, मेरा एक पिए बड़ा होशियार था, चाय से किटली गर्म, तो उसने वो स्टेशन मास्टर गडकरी साहब आ रहे, वो दो नंबर के फ्लैट पर गाड़ी खड़ी होगी तो उनको चलने में तकलीफ होगी, ये नंबर एक पर लाओ। तो उसने कहा ये अपोजिट डायरेक्शन है। नहीं, बोले उधर लाओ। मैं सुबह उठा तो पहले नंबर पे गाड़ी है, गुजर ये कैसा हुआ? सर मैंने ही स्टेशन मास्टर को कहा कि इस पे लाओ। पर तूने क्यों कहा? मैंने कहा था क्या तुमको? कभी कभी बहुत सी बातें ऐसी समझते हो और न समझते हो जाती।